Now next one, how to reading any name or string from a keyboard using scanf functions. अगर आप scanf functions के थ्रू लाइन रीड करना चाहते हो या कोई भी सिंगल वर्ड यूज करना चाहते हो, वर्ड्स को रीड करने के लिए ऑलवेज यूज क्या करेंगे, scanf फंक्शन. सेम केस आपने यूज किया था इन केस ऑफ ड्यूरिंग गेट्स फंक्शन. गेट्स फंक्शन के केसेस में एट ए टाइम ओनली सिंगल लाइन रीड करना पॉसिबल था, लेकिन लाइन के केसेस में स्पेसिस भी परमिटेड थे. लेकिन scanf के थ्रू जब डेटा रीड करोगे एज अ लाइन और एज अ स्ट्रिंग, देन scanf के केस में कभी किसी लाइन के अंदर स्पेस फिलअप करना पॉसिबल नहीं, बिकॉज scanf function is separates in its input by using spaces. Therefore, space cannot be become a part of input string. इस scanf functions के थ्रू अगर आप multiple words use कर multiple words read करना चाहते हो या multiple strings read करना चाहते हैं, multiple strings separate किससे हो, by based on spaces. Then how to reading a single word. सिंगल वर्ड रीड करने के लिए सबसे पहले वर्ड्स को स्टोर कराने के लिए रिक्वायर्ड क्या हुआ, सम एरे ऑफ कैरेक्टर. वी आर टेकिंग सम एरे लाइक अ कैरेक्टर नेम एंड सप्लाई क्या है, मैक्सिमम साइज एज 20 और मैक्सिमम साइज एज समथिंग 10. दिस इज द मैक्सिमम साइज, मींस अगर एरे का साइज 10 है देन मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने अलाउ होंगे, ओनली अप टू 10 कैरेक्टर्स. नेक्स्ट वन, सम मैसेज प्रिंट एफ एंटर नेम, एंटर नेम प्रिंट एफ एंटर नेम स्कैन एफ. अगर आपको किसी भी टाइप का स्ट्रिंग रीड करना था, स्ट्रिंग के केसेस में फॉर्मेट स्पेसिफायर सप्लाई करेंगे एज अ परसेंट एस, देन वी आर सप्लाइंग मे बी एड्रेस ऑफ नेम और ओनली नेम. एरे के केस में कभी भी एम्परसेंट साइन मैन्युअली सप्लाई करने की नीड नहीं होगी, मीन्स डायरेक्टली भी सप्लाई करना पॉसिबल बाय यूजिंग एम्परसेंट भी यूज करना पॉसिबल, दोनों ही केस कैसे हूँ वैलिड. देन वी आर डिस्प्लेइंग वैल्यू ऑफ एंटर्ड नेम, एंटर्ड नेम का वैल्यू डिस्प्ले कराने के लिए यूज क्या करूँगा, अगेन फॉर्मेट स्पेसिफायर एज परसेंट एस देन डिस्प्लेइंग वैल्यू ऑफ नेम लाइक दैट. चेक इट, हाउ टू एग्जीक्यूटिंग दिस प्रोग्राम. Initially, buffer is created as stdin, called as stdin, like that. First of all, जैसे इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, तो एग्जीक्यूशन के रिस्पेक्ट में सबसे पहले मेमोरी एलोकेशन परफॉर्म कराएं फॉर एरे नेम. What is the size of name here? Name will takes 10 bytes. Maximum size क्या है इसमें, अप टू 10 bytes. Address something 100 101 and so on. What is the name of this array? Also name. Then printf. Printf के according monitor के केस इसमें display हो जाएगा something. Enter name like that. Enter name. Next one. यूजिंग scanf फंक्शन, जैसे इस केस में scanf फंक्शन को चांस प्रोवाइड हुआ, scanf फंक्शन का वर्किंग क्या रहेगा, रीडिंग इनपुट्स फ्रॉम stdin. इनिशियली बफर वाज एम्प्टी और बफर इज एम्प्टी, इन दैट केस वी आर एंटरिंग सम नेम लाइक राज स्पेस जैन, राज स्पेस जैन. इन दैट केस वी आर एंटरिंग आर ए जे स्पेस जैन. दिस इज द कंप्लीट नेम ऑफ एनी पर्सन. scanf फंक्शंस के केस में डेटा कब तक रीड हुआ, जब तक स्पेस फाउंड नहीं होता. तो इस केस में जैसे scanf फंक्शन रीड करना स्टार्ट करे, सबसे पहले रीड क्या हो जाएगा इससे, आर. देन रीडिंग कैरेक्टर्स, रीड होने के जस्ट बाद कैरेक्टर्स असाइन के स्पेस में होंगे इन साइड गिवन एरे नेम. तो सबसे पहले आर रीड होने के बाद कॉपी हो जाएगा, देन ए देन जे, जे रीड होने जस्ट बाद कर्सर कहाँ सेट होगा ऑन द स्पेस. नेक्स्ट टाइम जैसे स्पेस रीड हुआ, स्पेस रीड होने के जस्ट बाद कर्सर कहाँ सेट ऑन द जी, लेकिन ऑलरेडी रीड क्या हो चुका है, राज. लेकिन इसके जैसे इस केस में स्पेस फाउंड हुआ, देन स्कैनर फंक्शन रीड करना स्टॉप कर दे, बिकॉज
इन दिस केस नंबर ऑफ इनपुट्स आर सेपरेटेड बाय स्पेस. तो डेटा कब तक रीड होगा फर्स्ट इनपुट के लिए? ओनली अप टू स्पेस. इस केस में स्कैनएफ के थ्रू कभी भी स्पेस रीड करना पॉसिबल नहीं है. ओनली रीड क्या हुआ? आर ए जे. इमीडिएटली रीड होना स्टॉप होने के जस्ट बाद इस स्ट्रिंग को टर्मिनेट किससे करेगा? नल कैरेक्टर. दिस स्ट्रिंग विल बी टर्मिनेटेड बाय नल. आफ्टर दैट फाइल इस केस में नंबर ऑफ इनपुट्स कितने रीड हुए हैं? ओनली वन. दिस विल रिटर्न वन. नेक्स्ट टाइम जब प्रिंट एप के थ्रू नेम का वैल्यू डिस्प्ले कराएं तो नेम के केस में डिस्प्ले क्या हुआ आउटपुट में? ओनली एज अ नेम एज राज. जबकि एंटर क्या किया था? एज अ राज स्पेस जैन. इसे स्कैनर फंक्शंस के थ्रू एक सिंगल स्ट्रिंग के केस में ओनली सिंगल वर्ड असाइन करना पॉसिबल, नॉट अ मोर देन वन वर्ड्स. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन गेट्स फंक्शन एंड स्कैनर फंक्शन रीडिंग व्हाइल यू हैव रीडिंग सम स्ट्रिंग्स और सम वर्ड्स. इसे स्कैनर फंक्शंस के केसेस में वर्ड्स को कभी भी स्पेस से सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है, स्पेस रीड करना पॉसिबल नहीं. लेकिन सेम केस अगर आप चाहते हो इसे कंप्लीट नेम रीड करना पॉसिबल, देन इस केस में यूज क्या करना चाहिए? गेट्स फंक्शन. बिकॉज गेट्स के केसेस में स्पेसेस को भी रीड करना पॉसिबल है. गेट के केस में डेटा कब तक रीड होता है? अप टू स्लैश एन. क्लियर?